शोभा जा रहा है। और अभी फुल प्रूफ प्लान फिलहाल करके मतलब हाँ भाई फोटोज ही खींचेंगे आज तो अच्छे से, नो डिस्ट्रैक्शन व्हाटसो एवर। लेट्स गो। अगर से चमड़ी ना जलती होती तो नहाने के लिए ठीक नहीं था, ठंडा पानी लिया पैकेट डाला। अभी बिजली नहीं है आज, कास्टिंग सोडा डाल दे। I was trying to break the ice of this drum and key tank. मैं अपने कजन के साथ थोड़ा उसके बगीचे तक आया था, काफ़ी हाइट पे लाइक इस टाइम यहाँ पर टेम्परेचर अभी धूप लगने वाली है, लेकिन अभी टेम्परेचर -3 है, बहुत ज़्यादा ठंड है। पहले मैं सोच रहा था कि बस यहाँ पहुँचते कहीं निकल जाऊँगा फोटोज खींचने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पहुँचा तो आज सीखने बैठा हूँ फिलहाल। भाई बहुत ठंड है, धूप 10 बजे लगी। इस गाड़ी के साथ एक शॉट लिया है मैंने, द गाड़ी बीइंग इन द फ्रेम नॉट उसके साथ। और जो ये पीछे लाल छत का घर है एक फोटो इसके लिए है। नाउ मूविंग ऑन विद अभी धुआं है तो ये पीछे वाली माउंटेन रेंज क्लियर नहीं दिख रही, रोडों में ये वाली माउंटेन रेंज पड़ती है तो सारे शिवालिक हिमालयाज, और इसके बैक साइड से किन्नौर शुरू हो जाता है। लॉकडाउन जब चल रहा था तो उस वक्त मैंने कुछ शॉट्स लिए थे यहाँ पे, आई विल थ्रो देम अपॉन द स्क्रीन्स फॉर यू टू सी राइट नाउ। हाँ तो मैंने ये वाले शॉट्स कुछ लॉकडाउन के टाइम पर लिए थे, उस टाइम पर द स्काइज वर क्लियर, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, कोई आग नहीं लगा रहा था, एवरीथिंग वॉज जस्ट सो पीसफुल। और पीछे एक बहुत सही सा घर है, पूरा लकड़ी का, पूरा एक पुराना जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, होता है था। इसके भी कुछ शॉट्स मैंने जितने बार भी अपने ट्राईपॉड के साथ ट्रैवल किया है, हर बार उसका एक पार्ट गुम हो जाता है। लाइक जब से मैंने उसका नया बॉल हेड लिया था, उसके बाद से सबसे पहले एक उसका टाइट करने का पेज होता है वो गुम हुआ, फिर मेरे को वो रिप्लेस करना पड़ा, फिर वो गुम हुआ, दूसरा भी गुम हो गया, फिर उसके बाद उसकी जो बेस प्लेट होती है जो प्लेट होती है, फिर वो गुम हुआ, फिर वो प्लेट रिप्लेस करनी पड़ी, और अभी बॉल हेड गुम हो गया। तो आई एम थिंकिंग अब ट्राईपॉड ही स्विच करना पड़ेगा। नाउ दैट्स अ वेरी वियर्ड पार्क बाय द रोड साइड, ऐसे बहुत रेयर होता है कि तुम्हें ऐसा कुछ दिखे। सो आई एम गोना ट्राई टू मेक सम एस्थेटिक काइंड ऑफ शॉट्स आउट ऑफ दिस, लेट्स ट्राई। और ये जो पीछे बहुत बड़ा सा गांव दिख रहा है, इसका नाम है धार, धार जुब्बल, काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ के कंपैरेटिवली, यहाँ इतने बड़े गांव होते नहीं हैं, इसमें पता नहीं कितने घरों के, 50-60 ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक अनोखी बात ये है, इस टाइम पे सुबह का टाइम है, इस टाइम अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं पिछले 20 मिनट से चल रहा हूँ, तो अनोखी बात ये है कि आई हैवन्ट स्पॉटेड अ सिंगल बर्ड एंड इट्स क्वाइट अगैन। बंदा
जाए भी तो कहाँ। बाय द वे, ये धार है और ये जो सबसे पीछे वाली पहाड़ी दिख रही है ना, वहां पे जस्ट राइट देयर खड़ा पत्थर है। उसका नाम खड़ा पत्थर इसलिए है क्योंकि वहाँ लिटरली एक खड़ा पत्थर है, मंदिर है उसके अंदर एक खड़ा पत्थर है जो शायद माता का है, कोई काली माता का ही गेस। ऑनवर्ड्स। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी फॉरेस्ट लाइन में रोड पे ही हूँ, लेकिन थोड़ी सी फॉरेस्ट लाइन अभी एंटर की है। आई थिंक आई एम डूइंग गुड। द पिक्चर्स आई क्वाइट लाइक देम। और पेड़ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। The ice layer, it seems pretty dense, thick. I'm not going to break it. Nope, not a chance. There is nothing more satisfying than breaking the ice. हम जंगल में इधर ऊपर की ओर जाने वाले हैं। अब लेट्स गो। मुझे भी एक्चुअली भाई जो जंगल है ना, जंगल को लेके काफ़ी जुनून सवार है, यू नो, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज रियल। अब रीज़न बोल लो कि जंगल में फ़ोटोज़ अच्छी आती है, दूसरा बोल लो कि शांति बहुत होती है, तीसरा बोल लो कि यहाँ पे जो हवा है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प होती है, चौथा बोल लो कि चौथा मैं कभी और बताऊँगा। ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। अगर मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूँ ऑन द टॉपिक दैट व्हाट टू क्लिक इन द जंगल, अब इफ यू आर ए वुडलैंड फनेटिक देन काफ़ी अच्छे पेड़ कह लो जंगल में मिल जाते हैं। दूसरा, इफ़ यू लाइक शूटिंग टाइनी थिंग्स, क्लोज अप शॉट्स ऑफ लाइक फर्न्स हो गए। अब जंगल में अजीब तरह के तो पता नहीं कितने 100 किस्म के तो घास पत्ते होते हैं, अलग अलग कलर के, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और पर्सनली स्पीकिंग मेरे को उनकी फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक घास की पत्ती ये वाली होगी, फिर दूसरा इधर ही है, और दो चार मैं पीछे छोड़ के आया हूँ। एक रीज़न वो है, दूसरा ये है कि अभी दिन का टाइम है। अगर मैं इस टाइम पे कहीं बाहर हूँ, मेन रोड पे रहूँ ना, तो अगर अच्छा सब्जेक्ट मेरे को मिल भी जाता है तो भी, क्योंकि ये जो डे लाइट है तो इसमें हाइलाइट्स और शेडोज़ एक्सट्रीम पे होती है, तो उसमें फ़ोटोज़ खींचने का ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, फ़ोटो आती भी नहीं है ढंग की। अब जंगल होता है, कहीं से थोड़े बहुत छुटपुट एरिया से लाइट गिरती है, ऐसे बीच में कोई सब्जेक्ट होता है, इधर छाया बीच में वो आगे चमक रहा होता है चिरांद की तरह। इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इन द प्रीवियस वीडियो, कुछ पता नहीं कौन सी वीडियो थी, उसमें भी मैं जंगल में गया था, उसमें भी सेम टाइप के शूट्स किए थे, जो लाइट थी बेसिकली ऐसे गिर रही थी कहीं। ये देखो, अब इसमें वैरायटी तो नहीं है, घास तो सेम है, लेकिन हाँ, अब जैसे इसका थोड़ा कलर भुन गया है, इसका भी थोड़ा भुन गया है, तो इनकी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। और
मैं सिर्फ बोलूँगा ही नहीं कि फ़ोटोज़ अच्छी आती है, मैं अपना कैमरा बाहर निकालता हूँ और फ़ोटोज़ खींचते हुए चलते हैं जंगल में। अब इन फ़ोटोज़ को देख के तुम में से कई लोग बोलोगे कि भाई इसमें क्या फोटोग्राफी है, लाइक इसमें क्या ख़ास है। हाँ ये कहते नॉर्मल पत्तों की फ़ोटो है, लेकिन ये तो मैं फ़ोन से भी खींच लूँगा, ऑब्वियसली कोई भी खींच सकता है, वही तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन कोई खींचता नहीं है ना। एक जस्ट बिकॉज मैं घर पर हूँ उससे क्या होता है कि आई डोंट शूट इनफ, मैं अपना कैमरा ज़्यादा फिर निकालता नहीं, फिर घर पर बैठा रहूँगा ये सोच के कि हाँ जब कहीं का ट्रिप बनेगा तो ही खींचूँगा। उस चक्कर में कुछ नहीं होता ना, नॉर्मली खींच सकता मैं, कुछ हैबिट से छूट जाती है। और फोटोग्राफी इज़ समथिंग लाइक यू हैव टू यू नो कीप ऑन डूइंग इट डेली, रोज़ फ़ोटोज़ खींचो, उससे अपने आप एक सेंस बिल्ड होती है फोटोग्राफी की, बोलो कंपोजिशन की बोलो या फिर कुछ भी, अगर एडिटिंग की भी है तो उसकी भी, मतलब अगर डेली करते हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट बेटर। तो फोटोग्राफी का भी सेम है, मैं पहले भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि ट्रिप के चक्कर में बैठे रहो फिर महीना महीना कैमरा निकलता नहीं अलमारी से, पड़ा रहता है। तो उससे अच्छा मैं ऐसे ही करता हूँ कि हाँ पता है कि अगर कहीं नहीं जाना, घर पे ही है तो भाई निकल लो जंगल में। कई बार ऐसा होता है कि एक आध फोटो काफ़ी अच्छी आ जाती है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी होती है, और सेम इज़ द केस विद टुडे। अभी तक कुछ आया तो नहीं, मैं घास पत्तों की फ़ोटो खींच रहा हूँ, लेकिन हु नोस थोड़ा आगे जंगल में जाऊँगा क्या पता भालू बाघ मिल जाए। खैर अगर मिल भी गया तो पता थोड़ी लगेगा तुम लोगों को, ये वीडियो बनी भी थी कभी। चलते आगे की और कुछ खींचते रहते फोटोज। वैसे वैसे यहीं पे जंगल लग रहा है, साथ में तो बगीचा किसी का। जंगल में चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे द लिटिल फॉल ऑफ जुब्बल। ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, पिद्दू सा वाटरफॉल है, लेकिन अगर किसी को गर्मियों में खड़े में नहाना पसंद है तो मैं, ये 8-10 फीट है इसमें, मतलब पूरा पानी पीछे जाते अगर। जंगल का एंड आ गया है यहाँ पे, यहाँ से दूसरा रास्ता गया किसी के खेत में, चलते हैं यहाँ से वापस की ओर। ये जो बिछान होता है ना पाइन नीडल्स, जिस जूते का सोल हार्ड होता है ना वो इस पे ऐसे फिसलते हैं ना, जब चिड़ी लगाना दो थी तो भाई आदमी आम आ जाओ डेगुल अगुवाटी शॉर्ट की ही। इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं पता किस चीज़ में मिलती है, लाइक ब्रेकिंग आइस मेरे को तो कहीं भी दिख जाती है, फिर आई लूज़ माई काम, फिर तो भाई वह बहुत सारी है। जैसे कि यहाँ पे जमी हुई है फिलहाल, और थोड़े पीछे और चलते हैं, यहाँ पे देखो पूरा ख़जाना है। इसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट आया नहीं जितना पहली वाली में आया था, उसमें तो एकदम ओहो दैट वाज क्रेजी यार। Okay.
ओके वी आर हियर। गौरव के डेवलप में भूख लागे दोस्तों एगो। तो अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली में देखते हैं क्या शूट करना है, फिर मिलते हैं इन अ व्हाइल। वेल हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन फॉर श्योर।